हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास जो सिलाई मशीन होती है उसके जो है हमें बुश बदलने पड़ते हैं। ये पीछे वाले, एक तो ये वाला बुश और एक ये वाला बुश। जब हम इनको ठोकते हैं तो इसका साइज बनाना पड़ता है। ये जो आराम साफ है ना, इसका साइज बनाना पड़ता है, क्योंकि नई जो होती है उसमें आती नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखिए, ये बुश होता है, एक डार्ट बुश होता है, एक शाम बुश होता है। ये देखिए, ये तो होता है शाम बुश और ये होता है डार्ट बुश। पुरानी मशीन में जो है ना, ये कट जाते हैं जल्दी और ये जो है आर्म शाफ्ट जो है लूज कर देते हैं और उससे जो है सिलाई में दिक्कत आती है। ठीक है, अब देखिए, जो इधर का शाम बुश, ये तो इधर लगा रखा है हमने बारीक वाला, और ये है डार्ट बुश, ये इधर लगा रखा है। अब इसका साइज बनाना है, क्योंकि जो नई आती है ना, ये इसमें आती नहीं बिल्कुल भी, ये वाली। ठीक है, आज हम इसके रैमर के बारे में बताएंगे आपको और इसके कटर के बारे में बताएंगे। ये देखिए, इसका रैमर है, ये साइज का रैमर बोलते हैं, आर्म शाफ्ट का रैमर, और ये इसी के लिए होता है। इसका साइज बनाएंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसके नीचे रखेंगे ऐसे, और इसमें जो है ये रैमर बिल्कुल सीधी करके इसको घुमाएंगे। इसको गौर से देखना दोस्तों, ये नीचे तक आ गया, इधर यहाँ तक। अब इसको ऊपर रख लेंगे ठीक है, यहाँ पर, और इसको घुमाएंगे। इसको इतना घुमाना है ताकि ये हमारी जो आर्म शाफ्ट है ना, ये लूज ना हो बिल्कुल भी। अगर जो हमने रैमर को पूरा पार कर दिया तो ढीली कर देगी, तो इसको ऐसे घुमाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नहीं आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। आने वाले वीडियो में आपको सब चीज बताऊंगा, कटर के बारे में, रैमर के बारे में, सारे औजारों के बारे में बताऊंगा आपको ना। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, देखिए, जैसे आपके पास ये नई रैमर है ना, ये नई रैमर है, इसको कभी भी पूरा मत घुमाना। इसको जो है ना, ये फिलहाल जो है पुरानी है, मैं इसको घुमा रहा हूँ। नई रैमर घुमाएंगे तो सिर्फ इतनी निकालेंगे बाहर, ठीक है। ये देखिए, हमने एक साइड से घुमा लिया इसको, ये वाला साइड जिसपे इसपे जो है ना, यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये तो इधर चेक करना है आगे की साइड ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल फिट है, इधर आ गया, और ये वाला हिस्सा इधर चेक करना है, ये आ नहीं रहा है, टाइट है। इसको इधर से घुमा लेंगे, अगर जो नई रैमर होता ना तो ये आ जाता। इसको जो है इधर से भी घुमा लेंगे ताकि इसमें आराम साफ आसानी से आ जाए। ये घुमा लिया हमने, फिर चेक करेंगे दोबारा से। ये देखिए, बिल्कुल ठीक से दोस्तों, ये ऐसे हिलना नहीं चाहिए, ये ऐसे टाइट रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने बता दिया आपको इसकी जो साइज की रैमर है ना, इसके बारे में, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये जो कटर है ना, इसका ये कटर लगता है दोनों साइड, फेस कटर बोलते हैं इसको, इसको लगाना हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तो वीडियो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है दोस्तों।